हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी फॉर स्टडी? ओके, ओपन योर बुक। एक्सरसाइज 3.6 वी कंप्लीट लास्ट टाइम एंड इन वीडियो वी डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। ओके, सो फार्मूला इज वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। मतलब कोई भी नंबर्स है उनका अगर LCM और HCF का मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर इक्वल कब आएगा? जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और LCM और HCF का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है। ये फार्मूला है। उसके बाद सेकेंड फार्मूला इज फाइंड द HCF। सो वी राइट द मल्टीप्लाई द बोथ द नंबर एंड डिवाइड बाय LCM एंड फाइंड द LCM मल्टीप्लाई द बोथ द नंबर एंड डिवाइड बाय HCF। तो ये 3 फार्मूले हैं जिस भी बेस पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और एक और बात है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM। मतलब HCF अगर किसी भी दो नंबर का निकालते हैं तो उन्हीं दो नंबर का जो LCM है वो उसका फैक्टर होगा। HCF जो होगा वो उस LCM का फैक्टर होगा। ये हम प्रूफ भी करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 फर्स्ट क्वेश्चन इन MCQ। MCQ का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के बाद कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट में LCM निकालना है। सेकंड और थर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के बेस पर है। तो हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब आप एक्सरसाइज को समझ जाएंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड MCQ सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ आप बाद में सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन कैन टू नंबर हैव 4S देयर HCF एंड 48S देयर LCM। मतलब कि यहाँ पर यह है कि दो नंबर जो है उनका अगर 4 HCF है तो उन्हीं दो नंबर का LCM 48 है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो दो नंबर हम ले रहे हैं उनका HCF तो 4 आ जाए और LCM 48 आ जाए? तो इसके लिए हम जानते हैं कि HCF जो है LCM का फैक्टर होता है हमेशा। तो HCF अगर LCM का फैक्टर है, मतलब HCF से हम अगर LCM को डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें प्रूफ करना है 4 और 48 दोनों ही HCF और LCM है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, HCF का डिवाइड LCM में करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आया, कंप्लीट डिवाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 48 इज डिविजिबल बाय 4। सो टू नंबर कैन हैव 4S देयर HCF एंड 48S देयर LCM। मतलब दो नंबर ऐसे 100% होंगे जिनका HCF 4 आता है और LCM 48 आता है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है इस तरह से। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है लेकिन आंसर नॉट में आएगा, कैन नॉट हैव। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर आएगा, 7 से 28 डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो वो होमवर्क में करना है थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 131 एंड 8,253 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 917, फाइंड द अदर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें HCF एंड LCM टू नंबर्स का रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वाला नंबर क्या है, HCF फर्स्ट में लिखा आया तो फर्स्ट HCF है, LCM बाद में लिखा हुआ आया तो सेकंड नंबर LCM है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। तो जो फर्स्ट में लिखा है वो फर्स्ट है, सेकंड में लिखा है वो सेकंड है। इसके बाद इफ वन ऑफ द नंबर इज 917, मतलब कि वन नंबर तो आपको 917 लेकिन फाइंड द अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी नो फार्मूला इज हियर, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप वन नंबर इंटू अदर नंबर भी लिख सकते हैं और सेकेंड नंबर भी। ठीक है, तो HCF हमें कितना दिया है, 131
एंड एलसीएम इज 8253 इक्वल टू वन नंबर इज 917 इनटू अदर नंबर फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर इज आल्सो राइट। अब हम जानते हैं कि जब भी हमें जो फाइंड करना है उसके साथ वाला अगर मल्टीप्लाई में है तो वो अपॉन में जाता है, तो 131 मल्टीप्लाई 8253 अपॉन में जाएगा 917। अब हम यहाँ पे इसको 7 से कट करेंगे दोनों को, 7 1 7 2 बचे, 7 3 21, 7 1 7 तो 131 और 7 1 7 12 बचेगा, 7 1 7 फिर 5 बचेंगे 55, 7 7 49, 6 बचेंगे तो 7 9 63, तो 1179 यहाँ पे आएगा। फिर 31 से 31 टाइम कैंसिल, मीन्स सेकंड नंबर जो हमारा आया 1179। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12, फाइंड द एलसीएम। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है 2160 है ना, और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। हियर वी नो डेट फार्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, कुल मिला के मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। तो हम इस तरीके से भी फार्मूला लिख सकते हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी चलेगा। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, तो उसकी जगह पर 2160 लिखा, एचसीएफ हमें गिवन है 12, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और एलसीएम के लिए एचसीएफ मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे हम इसका जब कट करते हैं डिवाइड करते हैं तो 180 टाइम 180 आएगा, तो एलसीएम इज 180 आंसर हो गया। अब आपका सिक्स क्वेश्चन होमवर्क में वो भी सेम है, वहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है और एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है, तो सेम है, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए वही एलसीएम अपॉन में जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लीजिएगा आप उसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 28125 एंड वन ऑफ द नंबर इज 125, फाइंड द अदर नंबर। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है वो हमें गिवन है, और वन नंबर गिवन है और सेकंड नंबर हमें निकालना है, अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7, वी नो डेट फार्मूला हम जानते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों का प्रोजेक्ट दिया है, मतलब मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है वो दिया है, तो 28125 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दे रखा है वन नंबर 125 और अदर नंबर हमें फाइंड करना है, तो ये फार्मूले में हम अदर नंबर ऐसे ही रखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाके अपॉन में आएगा, तो 28125 अपॉन 125 इक्वल टू अदर नंबर। अब यहाँ पे हम 5 से कट कर रहे हैं, तो 5 2 10, फिर 2 बचा 5 5 25, 5 5 25, 3 बचेगा 31 हो जाएगा, 5 6 30, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 2 10, फिर 2 बचेगा तो 5 5 25, तो ये आएगा। फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 25, तो 5 1 5 5 1 5 1, 12 5 2 10, फिर 2 5 5 25, फिर 5 1 5, सो 5 से कट करें, 5 2 10, फिर 12 5 2 10, फिर 2 25 5 5 25, तो 225 हमारा अदर नंबर आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई डेट एचसीएफ ऑफ 10, 15 and 20 इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ द सेम नंबर। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन तीनों नंबर का 10, 15 and 20 का जो एचसीएफ है, ये एचसीएफ एलसीएम का क्या है, फैक्टर है। मतलब कि ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा है, कि यहाँ पे हमें एचसीएफ
और एलसीएम गिवन था और हमें केवल बताना था फैक्टर है या नहीं, है ना, या पॉसिबल है या नहीं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना भी पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन जैसी प्रोसेस करेंगे। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से जाएगा 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, फिर 15 का प्राइम फैक्टर 3 से 5 टाइम 5, फिर 20 का तो 2 से 10, 2 से 10 5, 5 से 1। तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 5, 15 के 3 5 एंड 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, एस सी एफ निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कॉमन जो आया जो तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, केवल 5 मिल रहा है। तो 5 इज द एस सी एफ ऑफ द ऑल द नंबर्स। एंड एल सी एम भी हम इसी मेथड से निकाल लेते हैं, तो हम जानते हैं कि सारे फैक्टर लिखे जाते हैं एल सी एम में। तो सबसे पहले हमने देखा 2, तो 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो ज़्यादा बार 2 जो है वो लिखाएगा, तो 2 टाइम 2 लिखाएगा। फिर 3 लिखना है, तो 3 यहाँ पे 1 टाइम है और किसी में नहीं है, तो 3 1 टाइम लिखें। 5 सभी में 1 टाइम है, तो 5 को लिख दिया। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो 60 हमारा आंसर आया एल सी एम का। अब हमें क्या बताना है कि इन्हीं नंबर का जो एल सी एम है उसका फैक्टर एच सी एफ होता है, ठीक है। तो एल सी एम को हम 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कंप्लीट डिवाइड होता है 12 टाइम, ठीक है। तो डिवाइड कंप्लीट होने के बाद हमने ये लिखा कि 5 जो है वो डिविजिबल करता है 60 को, ठीक है। तो 60 इज डिविजिबल बाय 5, ओके। तो 60 जो है वो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि क्या हुआ, ये जो 5 है जिससे हमने डिवाइड किया, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द 60, और 5 इज द एस सी एफ और 60 इज द एल सी एम, सो एस सी एफ फैक्टर ऑफ एल सी एम। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि एस सी एफ जो है इन 10, 15 और 20 का है इज ए फैक्टर, एस सी एफ इज ए फैक्टर ऑफ एल सी एम ऑफ सेम नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द एल सी एम ऑफ 12, 20 एंड 30 इज ए मल्टीपल ऑफ देयर एस सी एफ। तो हमें ये बताना है कि इनका जो एल सी एम है वो जो एल सी एम है वो मल्टीपल है एच सी एफ का। तो एच सी एफ का मल्टीपल एल सी एम हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो हमें नंबर्स हैं 12, 20 और 30, तो 12 के फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2, 6, 2, 3, 1, 2 के से 20 का निकालें 10, फिर 5, फिर 1, 30 का निकालें तो इवन नंबर है, तो 2 से 2, 1 जा 2, 5, 2, 5 जा 10, मतलब 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम, फिर 3 से होगा 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो 12 के फैक्टर हुए 2, 2, 3, 20 के हुए 2, 2, 5 और 30 के हुए 2, 3, 5। इसके बाद फैक्टर निकालने के बाद एस सी एफ निकालेंगे, तो एस सी एफ में यहाँ पे हम जानते हैं कि एस सी एफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन है, 2, 2, 2, तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 हो गया। अगेन टाइम 2 कॉमन नहीं है, दो में है लेकिन तीसरे में नहीं है, 3 है दो में कॉमन है लेकिन तीनों में नहीं है, 5 दो में है लेकिन तीनों में नहीं है, तो सभी में होना कंपलसरी है। तो 2 तीनों में 1 टाइम कॉमन है, तो एस सी एफ 2 हो गया। एल सी एम में क्या है, 2 को लिखते हैं, तो 2 2 टाइम है, 2 2 टाइम है, 2 1 टाइम है, 2 टाइम ज़्यादा है तो 2 को 2 टाइम, फिर 3 को लिखते हैं तो 3 1 टाइम है, 3 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखा, 5 1 टाइम है, 1 टाइम है तो 5 को 1 टाइम, तो सभी का मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, ओके। तो हमें ये पता है कि मल्टीपल ऑफ एस सी एफ, मतलब एस सी एफ क्या है, 2, तो 2 का जो मल्टीपल आया तो वो हम जानते हैं 2, 4, 6 इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा, तो 60 भी आएगा, 62 आएगा और कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना, डेट 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 डेट। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है कि हमारा ये वेरीफाई हो गया कि जो एल सी एम है वो एस सी एफ का मल्टीपल है। तो 60 मीन्स एल सी एम ऑफ 12, 20 एंड 30 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स एस सी एफ ऑफ 12, 20 एंड 30। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द एस सी एफ ऑफ 12 एंड 15 इज नॉट ग्रेटर देन अदर
12 or 15 and also show that the LCM of 12 and 15 is not less than the either 12 or 15. ओके okay? 10 में हमें ये बताना है कि जो HCF है 12 और 15 से इज नॉट ग्रेटर देन, उनसे ग्रेटर नहीं आ सकता, इक्वल आ सकता है या लेस देन आएगा लेकिन ग्रेटर नहीं आएगा। और LCM में यही बताना है कि इन दोनों 12 और 15 से लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा, लेस देन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वेरीफाई करने हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 6 टाइम, फिर 2 3 टाइम एंड 1, 15 के 3 5 टाइम 5 1, तो 12 के प्राइम फैक्टर 2 2 3 एंड 15 के 3 5। अब HCF निकालेंगे तो HCF इज 3 बिकॉज दोनों में हमें 3 मिल रहा है तो 3, और LCM क्या है 2 2 टाइम है तो 2 2 टाइम, 3 1 टाइम है तो 1 टाइम एंड 5 1 टाइम है तो 1 टाइम, मतलब किसी में भी होगा तो भी लिखना है, सभी के सारे फैक्टर लिखे जाएंगे। तो ये हो गए, तो मैक्सिमम बार जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 टाइम ज़्यादा वाला लिखेंगे, ऐसा नहीं 2 1 टाइम लिखेंगे। तो LCM निकालना आपको आता है, तो 60 आ गया, 3 आ गया। तो हमें क्या कहा था कि जो HCF है वो कभी भी ग्रेटर नहीं आएगा, तो ग्रेटर नहीं आ रहा, स्मॉल आ रहा। देखो 12 से भी स्मॉल होता है 3, 15 से भी 3 स्मॉल होता है, तो यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। और LCM हमेशा ग्रेटर आएगा, लेस देन कभी नहीं आएगा। तो देखो 60 क्या होता है, 12 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे LCM नंबर से ग्रेटर आया और HCF नंबर से स्मॉल आया है, ये बताया। तो वेरीफाई हमारा हो चुका है, वेरीफाई द HCF ऑफ 12 एंड 15 इज नॉट ग्रेटर देन अदर आइदर 12 एंड 15 एंड ऑल्सो द LCM ऑफ 12 एंड 15 इज नॉट लेस देन आइदर 12 और 15। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखते हैं, नई एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू।